macam tu. Kalau ini, setiap faham kata, jadi kita perlu muda tanah ya. Rendah jangan bukan dia ini. तो हेलो गैस, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आप लोगों ने ऐसा चक्की देखा जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल के चलती है? अगर नहीं देखा होगा तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ऐसा पंचक्की जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल के चलती है। मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि ये पंचक्की कैसे वॉक करते हैं, कैसे चलती है। इसके लिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं केंद्र प्रशासन लद्दाख के चिकतन क्षेत्र में, जहां पे ये फ्लोर मिल है। लद्दाख जैसे दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र जहां पे सड़क और बिजली नहीं पहुंची थी, वहां प्राचीन लोगों ने अपनी कला का इस्तेमाल करके पानी की ताकत यानी पानी की शक्ति से चलने वाली पंचक्की का इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसके लिए नदी के पानी को डाइवर्ट करके एक कुल के जरिए 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर कुल के जरिए पंचक्की तक पहुंचाया जाता है। ये नहर भी पुराने ज़माने में मिट्टी और पत्थरों से बनाया होता है, लेकिन आजकल कंक्रीट का भी बनाया होता है। तो चले गाइस, अभी हम पंचक्की के रूम का हम टूर करते हैं। ये रहा पंचक्की का मेन, जहाँ पे अनाज पीसा जाता है। तो मेन रूम में एक फनल टाइप का एक होपर होता है, जहाँ पे अनाज डालते हैं, अनाज वहाँ पे स्टोर होते हैं। तो होपर के बिल्कुल नीचे ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, दो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं, नीचे वाला फिक्स्ड होता है और ऊपर वाला रोटेटिंग होता है। पंचक्की के नीचे एक लकड़ी का बना हुआ टरबाइन होता है, जो कि एक लकड़ी के शाफ्ट के जरिए ऊपर वाले ग्राइंडिंग व्हील के साथ फिक्स्ड होता है। अब इसके बाद जो भी अनाज हमें पीसना होता है, गेहूँ, जौ या गंदम, तो उसको हम फनल के अंदर डालते हैं। अब ये पंचक्की कैसे ऑपरेट करते हैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। अभी हमें फिर से वो पानी कैसे आता है, फिर टरबाइन कैसे घूमता है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जो कुल का पानी है वो एक चैनल के थ्रू नीचे जहाँ पे लकड़ी के टरबाइन है वहाँ तक जाएंगे एक चैनल के थ्रू। उसको ज़ोर से हिट करेंगे तो टरबाइन घूमने लगेंगे। जो टरबाइन घूमेगा तो जो लकड़ी के शाफ्ट के साथ ऊपर जो ये ग्राइंडिंग व्हील के साथ अटैच है, तो ग्राइंडिंग व्हील भी उसके साथ घूमने लगेंगे और इसी के साथ ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। इसी तरह ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और कुछ एडजस्टमेंट के ज़रिए यहाँ से हम आटे को पतला और मोटा भी किया जा सकता है। यहाँ पर होपर के साथ वुडन वेज अटैच होता है, वुड का भी होता है या किसी और चीज़ का भी बना हो सकता है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो छोटा लकड़ी का जो वेज होता है वो इसका एक हिस्सा जो होपर का फ्रेम होता है उसके साथ अटैच में रहता है, बिल्कुल अटैच में रहता है, और दूसरा हिस्सा ये ग्राइंडिंग व्हील के साथ कॉन्टेक्ट में रहता है। जैसे जैसे ये ग्राइंडिंग व्हील घूमने लगता है, उसके साथ कांटेक्ट में होने की वजह से ये जो लकड़ी का टुकड़ा या जिसे वेज कहते हैं वो भी वाइब्रेट होने लगता है, और ये वाइब्रेशन फनल को ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो फनल में अनाज होता है वाइब्रेशन के कारण उसमें से दाना गिरने लगता है सीधे चक्की की होल, और इसी तरह एक एक करके पूरे अनाज पिस जाते हैं। फर्स्ट में आप लोगों को बताता चलूं कि गोल्ड ग्राइंडिंग की वजह से इसका जो टेस्ट होता है, सत्तू आटे का टेस्ट जो होता है एज़ कम्पेयर टू द मशीन वाला आटा या सत्तू, बहुत ही टेस्टी होता है।
ड्यू टू द कोल्ड ग्राइंडिंग, क्योंकि जब हम मशीन में ऐसे अनाज पीसते हैं तो वो बिल्कुल गर्म होके निकलते हैं वहाँ से। और लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि कोल्ड ग्राइंडिंग की वजह से यहाँ पे जो हम सत्तू यहाँ से निकलते हैं ना बिल्कुल ठंडा होता है, और ये ख़राब होने के बिल्कुल चांसेस बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि जो मशीन वाला होता है वो एकदम से ख़राब हो जाता है, वो गर्म होता है उसको ठंडा कर देता है। इसका ऐसा वैसे सीन नहीं है, टेस्टी भी होता है और फ्रेश होता है और न्यूट्रिएंट भी इसका बरकरार रहता है।
my dear old friends, family, it's time to say goodbye. Let's pray to God and have a faith we will meet again soon. छः बजे लगभग हमें ख़त्म हो जाएगा, लास्ट वाला है अभी। हम ख़त्म हो गया अभी, पानी का जो सप्लाई है वो यहाँ से बंद करना पड़ेगा, यहाँ से फिर इसके बाद घर जाएंगे। यहाँ से हमने थोड़ा छोड़ दिया, पूरा छोड़ना है। अभी हो गया हमारा टाइम कंप्लीट, हो गया यहाँ पे, हमने पैक कर दिया है भाई सब। तो बस अभी हम चलते हैं